हेलो गाइस, परम नितिश मणि न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज के बारे में जो कि 2020 में रिलीज हो रही हैं। इस लिस्ट में मैंने ओवरऑल सारी सुपर हीरो मूवी को इंक्लूडिंग करा है, जो कि बॉलीवुड की भी हैं, हॉलीवुड की भी हैं और मार्वल डीसी की भी हैं। देन उसी के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनकी रिलीजिंग डेट को और ऑर्डर टाइम बताऊंगा कि वो कब कब रिलीज हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लिस्ट काफी कमाल की बनी है। तो सबसे पहले जो मूवी आ रही है नंबर वन पर, वो है व्हाट्सऑप पेरी। ये मूवी रिलीज हो रही है 7 फरवरी 2020 को। स्टार्टिंग में 2020 में हमें सबसे पहले डीसी यूनिवर्स की मूवी देखने को मिलेगी व्हाट्सऑप पेरी। इस मूवी में हमें काफी सारे नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हार्ली क्विन रिटर्न देखने को मिलेंगी। इस मूवी में जोकर होगा या नहीं, ये अभी कुछ ऐसा कन्फर्म नहीं हुआ है, पर यह डीसी यूनिवर्स की कुछ डिफरेंट टाइप की मूवी होने वाली है, जिसमें कि हमें फीमेल कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट ये मूवी उन्हीं के ऊपर ही है। उसी के साथ अगली जो मूवी देखने को मिलेगी 2020 में, इस मूवी का नाम है ब्लड शॉट। इस मूवी में मेन कैरेक्टर में नजर आएंगे विन डीजल, जो कि एक डिफरेंट लुक में नजर आने वाले हैं। इनकी मूवी रिलीज हो रही है 2020 में फास्ट एंड फ्यूरियस भी। तो फाइनली हमें दो मूवी तो देखने को मिलेंगी। ये कोई सुपर हीरो तो नहीं है, पर काफी डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है और ब्लड शॉट काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है। इसकी पहले कॉमिक बुक आती थी और फाइनली अब इसकी हमें मूवी भी देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा कमाल की मूवी है। देन उसके साथ अगली मूवी है द न्यू म्यूटेंट्स। ये मूवी रिलीज हो रही है 3 अप्रैल 2020 को। इस मूवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी की रिलीजिंग डेट काफ़ी ज़्यादा चेंज करी गई और देन इस मूवी में दिक्कत आ रही थी इसकी स्क्रिप्ट में, जिस कारण इसे रीशूट करना पड़ा और इसके शेड्यूल को बार बार चेंज करना पड़ा। काफ़ी फैंस का मानना है अगर इस मूवी को रिलीज़ नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसके बाद जो अगली मूवी हमारी सबकी फेवरेट, ब्लैक विडो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फीमेल की ये सेकंड मूवी कह सकते हो आप, जो कि काफ़ी कमाल की जाने वाली है। 1 मई 2020 को ये मूवी रिलीज हो रही है, जो कि सिविल वॉर के टाइम की स्टोरी होने वाली है। देन उसी के साथ ब्लैक विडो काफ़ी ज़्यादा जोश में और काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन में देखने को मिलेंगी। इस मूवी का जो विलेन होने वाला है वो है टास्क मास्टर, जो कि काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि सबकी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लेता है। देन उसके बाद अगली मूवी है एक और डीसी यूनिवर्स की, वंडर वूमेन 1984। ये इसका फुल टाइटल है। ये मूवी रिलीज होगी 5 जून 2020 को। तो ये भी मूवी सबकी फेवरेट होने वाली है ऑल टाइम, क्योंकि इससे पहला वाला जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था, पर इन हिंदी में रिलीज नहीं करा गया। इस मूवी का विलेन है चीता, जो कि वंडर वूमेन से फाइट करेगा और ये भी एक फीमेल फोकस मूवी है, यानी कि इसमें कोई भी मेल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फीमेल ही कैरेक्टर हैं। देन अगली मूवी है मॉर्बियस। तो ये है मार्वल सोनी यूनिवर्स की एक और नेक्स्ट मूवी वेनम के बाद मॉर्बियस। ये मूवी रिलीज हो रही है 30 जुलाई 2020 को, जो कि वैम्पायर, जैसे आपने ब्लेड मूवी अगर देखी मार्वल की, तो उससे कुछ अलग डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा इस सोनी यूनिवर्स में। तो वेनम, मॉर्बियस, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा और आने वाले टाइम में मॉर्बियस भी बढ़िया मूवी होने वाली है। उसी के साथ अगली मूवी हमें देखने को मिलने वाली है वेनम 2, जो कि रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर 2020 को। वेनम का तो सबने पहला पार्ट देखा ही है और इस मूवी में जो एक्चुअल में विलेन होने वाला है वो है कार्नेज, जो कि वेनम का जानी दुश्मन है कॉमिक बुक में, कार्टून टीवी सीरीज में और मूवीज में भी। कार्नेज अब हमें वेनम 2 में पहली बार देखने को मिलेगा लाइव एक्शन में, जो कि सभी इंतजार कर रहे हैं। और वेनम 2 ऑल टाइम भी फेवरेट होने वाली है मेरी भी, क्योंकि पहला पार्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मार्वल की एक और मूवी, जो कि है द इंटरनल्स। ये मूवी रिलीज हो रही है 6 नवंबर 2020 को। ये भी काफ़ी लाजवाब मूवी है और देन इसमें हमें स्पेस गॉड देखने को मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और मार्वल का पुराना टाइम देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसका यूनिवर्स से कोई संबंध नहीं होगा, टाइमलाइन भले वो थोड़ी वही रहेगी और इसमें इतने बड़े बड़े कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, अगर वो मर भी जाए तो उनकी बॉडी से पूरा होम प्लेनेट बन सकता है। उसके बाद बॉलीवुड की लास्ट मूवी सुपर हीरो क्रिश 4। ये मूवी 2 पार्ट में रिलीज हो रही है। इसका पहला पार्ट रिलीज हो रहा है 2020 में 24 दिसंबर को। इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टरों का नाम आ रहा है, कैटरीना कैफ टाइप का और फिर आप कहते हो यामी गौतम का, पर ये मूवी भी बॉलीवुड में अच्छी जाने वाली है। देन गाइस, आपको कौन सी मूवी फेवरेट लगी, आप किसके लिए वेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी पर्सनल लिस्ट बताना कि आपको कौन सी मूवी के लिए वेट कर रहे हो। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।